यार जगह आप लोग देख सकते हो, बड़ी कोई बेहतरीन किस्म की स्कीम मीरपुर खास शहर में बन चुकी है। और अभी मैं भी यही हूँ, ये भी यही है, आ जाओ, बाबा वगैरह सब मौजूद हैं इधर आसिफ कुरैशी से। और हमारा जो मौलवी साहब है वो नमाज़ पढ़ने गया हुआ है। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे केक वगैरह भी कटेंगे तो उसकी भी आपको क्लिप्स दिखाएंगे। तो अभी थोड़ा सा वेट है, नमाज़ वगैरह हो जाए सब आ जाए फिर केक कटेगा, तो उस टाइम मिलता है। तो भाई गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, खुश हो गए और अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो गए। और नहीं कर रहा है तो यार करना शुरू कर दो, छोटी सी जिंदगी है, टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। होना वही है जो खुदा को मंजूर है, ठीक है? अच्छा तो टेंशन वेंशन दूर भागो, लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। तो यार पिछले व्लॉग में मैंने गलती से ये बोल दिया था कि अब से डेली व्लॉग्स आएंगे, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो भाई डेली व्लॉग्स ऐसे नहीं आते क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी में कोई काम वाम नहीं है, मैं घर में ही पड़ा रहता हूँ पूरे पूरे दिन। तो इस वजह से मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, इधर से उधर घूमता रहूँ और आप लोगों को दिखाता रहूँ, मैं फिर इधर जा रहा हूँ, मैं फिर उधर जा रहा हूँ, ऐसे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, अनसब्सक्राइब करके चले गए फिर। इस वजह से मैं कह रहा हूँ मैं 2-3 दिन व्लॉग बनाता हूँ, उसमें जो अच्छे क्लिप्स होते हैं बुरे क्लिप्स होते हैं उनको सारों को एडजस्ट करके मिक्स करके जो अच्छे एंटरटेनिंग व्लॉग बनता है वो मेरा 2-3 दिन में जाके बनता है, ठीक है? तो अब ये सीन है कि मेरा जो डेली व्लॉग होगा वो 2-3 दिन बाद अपलोड हुआ करेगा, क्योंकि अच्छा व्लॉग वही बनेगा वरना फ़ायदा नहीं है किसी व्लॉग का। तो हाँ मेरा जो व्लॉग आएगा वो 2-3 दिन का एक साथ व्लॉग आता है, तो ये समझ लो आप लोगों के लिए डेली व्लॉग ही हो गया। तो गालियाँ वालियाँ मत देना और हाँ दिल पे मत लिया करो मेरी कोई भी बात, समझा करो। समझ गया। हाँ तो अभी बहुत लंबी हो गई, फिलहाल नीचे चलते हैं और नाश्ता वगैरह मुकाते हैं। अबे भाई नीचे आया तो देखा ये क्या चल रहा है, बिरयानी। सुबह सुबह बिरयानी हो, सॉरी दोपहर हो रही है वैसे। बिरयानी नहीं बिरयानी। अच्छा 2 hours later। हाँ भाई फुल तैयार शैयार होके किधर जा रहा है? मुर्गी पकड़। मुर्गी पकड़ने? तेरे पास और कोई काम नहीं बचा करने को? हाँ मुर्गी पकड़ने या दावत तोड़ने। सीन अभी ये कि मैं जा रहा हूँ एक जगह पे और मेरे साथ जा रहा है आज़िब, तो अभी चलता हूँ रेडी होके फिर मिलता हूँ आप लोगों। फिलहाल रेडी हो चुका हूँ, रेडी तो फिर क्या, खाली कपड़े चेंज कर रहे हैं और अब निकलते हैं। तो भाई ये ज़रूरी है। A few minutes later. गेटवे वेली वेलकम। वेली गया, गेटवे तो रही है। तुम्हारे मूवी बड़े बड़े हैं। चलो भाई। अरे खा ले यार, थोड़ा खाइयो यार। रस्म वाला। रस्मन। आरों फिर मुंह खंगाल कर आ गया मैं। बोले मुंह खंगाल कर। सबको ही खिलाना पड़ेगा। बाबर तू ऐसे ले ले पूरा। अल्लाह तेरे को और तरक्की दे और कामयाबी दे। आमीन आमीन। हम सहन कर दें और ऐसे के खाते रहे। हां। और हम खाते रहे। मेरी कंपनी के बच्चों को मेहनत वालों को वीडियो बन रही। उधर देख रहा है वीडियो बन रही इधर ही। आ यार आप भी आ। ये छोली की तरह तेरे को खिला रहा हूं मैं। आ जाओ आ जाओ। चला जा भाई, आ जा जल्दी आ जा। कौन ले गया? आ जा आ जा। अबे यार मुल्ला को तो खास शोर में खिला। चल आप भी बन। हो गया हो गया। बेहतरीन। ये तू तो कर रहा था आधी घंटे से। भाई आसिफ।
माशाल्लाह वाह जी वाह सुभान अल्लाह। The next day. तो भाई फिर से एक बार गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक हो चुका है आप लोगों का उसी व्लॉग के अंदर। तो यार कल रात को काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत लोग आए, काफ़ी अच्छी सेरेमनी रही, आप लोग इस व्लॉग में देखेंगे भी। और आजिब को मैं साथ लेके गया था लेकिन उसके घर से फ़ोन आया कि मजबूरी थी, तो वो बाइक लेके वहाँ से निकल गया था बहुत जल्दी। मैं वहाँ से फारिग हुआ कोई 10:30-11 बजे, हम सब घर आए, मैंने थोड़ा बहुत आगे लैपटॉप पर काम करा और फिर मैं सो गया। अभी मैं उठाऊँ, नाश्ता वगैरह जो है वो हो चुका है और अब देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। और अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं, या तो अगर काम है तो काम करते हैं, नहीं तो किसी ना किसी को तंग कर लेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। A few minutes later. अभी बैठे बैठे सीन ये हुआ है कि ना आज मैं किसी को तंग कर रहा हूँ, ना मिट्टू को, ना आयश को, ना अपने आप को, ना किसी और को। आज मैं करूँगा अपनी बाइक को साफ। अभी जाते जाते मैं रास्ते में था, वापस आते हुए अचानक मैंने अपनी बाइक पर थोड़ा गौर किया तो मुझे पता चला कि मेरे को लग रहा है ये बाइक कोई 400-500 साल पहले साफ़ करी गई थी, उसके बाद साफ़ नहीं हुई, तो आज बाइक को साफ़ करते। तो इट्स टाइम टू बी अ मैकेनिक। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ तो भाई अब बताओ किस किस का प्लग शार्ट है और किस की सर्विस और किस की ट्यूनिंग करनी है। भाई ये बाइक में थोड़ी सी मिट्टी है, मिट्टी में थोड़ी सी बाइक है। बात तो सही है। भाई साहब प्रोफेशनल मैकेनिक हूँ। भाई साहब ऐसा लग रहा है मेरी बाइक अफ्रीका भी जा चुकी है। रगड़ रगड़ के ये भी इतना सा रही है, क्या समझ लेते हो तुम मर्सिडीज को? रेक मार दे रहा हूँ, ये सैंड पेपर। अच्छा और भाई साहब असर से लगे लगे मगरिब हो गई, तब जाके थोड़ा बहुत दिखने लायक हुई है बाइक। भाई साहब बहुत बुरी हालत हो गई है, 2-3 घंटे रगड़ाई करने के बाद, धुलाई करने के बाद, धुलाई बाइक की हुई है, हालत मेरी ख़राब हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे व्लॉग को एंड कर दूँ या कल का दिन भी इसी व्लॉग में ऐड कर दूं। व्लॉग की लेंथ तो थोड़ी अच्छी हो, मतलब 3-4 मिनट का व्लॉग तो व्लॉग नहीं लगता मुझे, तो हाँ कल का दिन भी इसी में ऐड करके फिर इसको अपलोड करेंगे। अभी चलते हैं कुछ पेट पूजा का इंतज़ाम करने। चलो भाई। A few minutes later. तो भाई फिर से पुरानी पैकिंग में आ चुका हूँ और अब चलते हैं कुछ पेट पूजा का इंतज़ाम करने। और भाई ठंड का भी हिसाब किताब काफ़ी बढ़ चुका है मीरपुर खास में, इस वक्त अच्छी खासी ठंड हो रही है। ज़्यादा लगा बस बस।
खत्म। तो भाई खाना वगैरह ठूस ठूस आ गई तो क्या करूं, मोबाइल इतना बेहतरीन है, काला आ रहा है, तू देख ले, दिखाइयो, दिखा कैसा आ रहा है तू। शक्ल के हिसाब से होना चाहिए ना। The next day. भाई सुबह ही सुबह ये पता नहीं क्या दिख गया है मुझे। बोलो, वीडियो चालू है। इतना गंदा मुंह है सुबह दिल करता है ऐसी चीजें सुबह सुबह देख के दिमाग खराब हो जाए बंदे का। अच्छा यार दुनिया में बहुत चूतिया है लेकिन इसका अलग ही लेवल है। बात तो सही है। ये फिर तंग करने आ गया, इसका क्या करूं आप लोग बताओ, इसको बांध के रखे या खुला छोड़ दे। अरे बामन इसको बांध के रख यार। चलो भाई चलो, आज टेनिस खेलेंगे, मिल गया कंटेंट। तो यार हमारा जो मेन चैनल है व्लॉगर्स वाला, उसको मैं वापस से रिएक्टिव कर रहा हूँ, लेकिन उस पर अब जो कंटेंट है वो चेंज कर दिया है। पहले वीडियोज़ आती थी वो स्टोरी टाइप वीडियोज़ आती थी, और मतलब अच्छी थीम वीडियोज़ होती थी, काफ़ी मेहनत लगती थी उसमें, हम बनाते भी थे, लोग आप लोगों को अच्छी भी लगती थी, लेकिन अब वो जो टीम थी हमारी वो ख़त्म हो चुकी है। अब उस चैनल पे जो आए वीडियोस आए करेंगी वो होंगी चैलेंजेस वीडियो, तो आप लोग जाके उसका लिंक जो है चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बंदा आएगा। हाँ तू आएगा, तू गले पड़ा रहे, तू मत छोड़ियो मेरा पीछा। बोल दो जाने के बाद दो और आएंगे। तो दो वही है आसिफ और बारिक, हम चार बंदों की टीम है। अब देखते हैं कब तक वो टीम चलती है, अल्लाह करे वो हमेशा चलती रहे। हमारा नाम चैनल बता दे, इस पे वाले चैनल पे भी देख लें। यार मेरे को बोलने थे, व्लॉग में बना रहा हूँ ना तो मैं बता रहा हूँ, तू चुप रह। अच्छा हाँ, तू बाहर जाके टेनिस खेल। तो भाई चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना, और उस पे अगले हफ्ते से वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी, और हफ्ते में तकरीबन इंशाल्लाह पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा, लेकिन अब उस टाइप के चैनल पे वीडियोस, उस टाइप की वीडियोस नहीं आया करेंगी, चैलेंजेस वीडियो आया करेंगी। तो आप लोग जाए वहाँ पे सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हम कौन कौन से चैलेंजेस आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो अगले हफ्ते से उस पर चैलेंजेस वीडियोज़ आएंगी, तो जाके लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलो भाई अब फिलहाल टेनिस खेलेंगे। हाँ भाई आ जाओ, फोन था, फेंक ले भाई। ए, फेल प्लेयर है, हमारे सामने टिकेंगे। बात तो सही है। तो सर्विस करो ना। आ जा तेरी सर्विस करूं, तेरी ट्यूनिंग भी कर दूं, प्लग शॉर्ट हो रहे हैं तेरे। तुमने खेली और मैंने देखी। हाँ तू मत देखा कर, तू आंखें बंद कर लिया कर, तू देखा कर खाली मेरे व्लॉग। बोल रहा है पहले नारंगी भी खाऊंगा, उसके छिलके भी खाऊंगा, उसके बीज भी खाऊंगा। हाँ भाई वो तो है, सब्सक्राइब करा ही नहीं करा। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, और आज इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अगर व्लॉग पसंद आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो हाँ फिलहाल इस व्लॉग को यहाँ पर हम एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह।